रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ईस्ट ऑफ कैलाश से बौद्ध विहार में, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है वेनरेबल करुणानंद महातेरो। मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ का संघनायक हूँ और इस जगज्योति बुद्ध विहार का जो है शिव प्रिस्ट हूँ। भगवान बुद्ध जी के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? पहले तो इस जगह का बारे में बोल रहा हूँ। इस जगह जो वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस 2500 ईयर्स एट द टाइम लॉर्ड बुद्धा केम हियर, मतलब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध इस जगह में आया था। यहाँ पर महासतीपट्टन सूत्र उन्होंने अपना शिष्य 500 शिष्यों को उपदेश दिया था और शिष्य लोग भगवान बुद्ध का अनुसार से शतापति सकृतगामी अनागामी अर्हत प्राप्त हुआ इस जगह में। तो इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा व बैसाख पूर्णिमा दिन है। तो सिद्धार्थ ने जो लुम्बिनी साल वृक्ष का नीचे अपना जन्म हुआ और बुद्धगया में बैसाख पूर्णिमा में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में, बनारस का नज़दीक सारनाथ में उन्होंने पहले धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दिया जी। पहले इसके बाद में जब 80 साल उम्र हुआ है कुशीनरा मल्ल राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये जो तीनों चीज जो है बुद्ध पूर्णिमा में हुआ है एक ही दिन में, और वृक्ष का नीचे जन्म हुआ, वृक्ष का नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वृक्ष का नीचे निर्वाण बा परलोक हुआ, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने 45 साल तक उन्होंने धर्म प्रचार किया है, मानवों का करुणा मैत्री का अपना धर्म प्रचार किया है। जो मानव मानव में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, करुणा मैत्री से जो अपना जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमारा देश जो आज़ाद हुआ अहिंसा परम धर्म, महात्मा गांधी भगवान बुद्ध का ही संदेश लेकर के अहिंसा परम धर्म लेकर के उन्होंने अपना ये देश को स्वाधीन किया, इंग्रेज से छुटकारा पाया है। तो भगवान बुद्ध का जो विश्व में, जैसे आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा, जितनी बौद्ध देश है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मंगोलिया, चाइना, ये सारी बौद्ध देश है, बौद्ध राष्ट्र है, ये सारी जगह में आज का दिन विश्व में भगवान बुद्ध का जो करुणा मैत्री का संदेश जो विश्व में शांति के लिए जो अपना फैला रहा है। तो इसलिए जो दिल्ली में ये जगज्योति बुद्ध विहार संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश में ये जो मॉडल जो है मंदिर का, ये सारनाथ का डिजाइन है जो बना हुआ है। अंदर का जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है वो थाईलैंड से एक उपासक उपासिका लोग ने दिया है, तो विराजमान है। और जो है आज जो बुद्ध पूर्णिमा में है, यहाँ पर सारी आदमी लोग आया है, सुबह से बुद्ध पूर्णिमा का जो है उत्सव मना रहा है। बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश भगवान बुद्ध जी के जीवन से हमें दया, करुणा और शांति का संदेश मिलता है। हमें उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़, धन्यवाद।